तो दोस्तों बता दें कि कल जो था वो नॉर्थ सिक्किम का राइड था, और नॉर्थ सिक्किम का राइड कंप्लीट करके वापस गैंगटॉक आ गए थे, और हम लोग यहीं स्टे किए थे। बट कल रात में आए थे और बैटरी वैटरी पूरा लो हो गया था, सो इस वजह से उस वीडियो को एंड नहीं कर पाए। और आज का जो व्लॉग है वो घर वापस जाने का व्लॉग है, और आज हम लोग राइड करने वाले हैं गैंगटॉक टू पटना, वापस घर जाने वाले हैं। और एक और बात बता दें कि मेन जो पार्ट है ना वो ये है कि हम लोग जो आज राइड करने वाले हैं वो पिछले बार जब राइड किए थे तो सिलीगुड़ी में स्टे किए थे, बट इस बार कोई स्टे नहीं है, इस बार डायरेक्ट गैंगटॉक टू पटना जाना है। कितने देर में पहुंचेंगे, क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, हर एक डिटेल बताएंगे। और अभी फ़िलहाल अकेले हैं, ब्रेकफास्ट अपना हो गया है यही होटल में, होटल मोंटाना जहाँ हम लोग स्टे किए थे उसी में वापस आके स्टे किए थे, क्योंकि हम लोग का बाइक यहीं पार्क था। और ऋषि और पेशवी जो है वो थोड़ा गया है लाल मार्केट, जो कि गैंगटॉक का बहुत फेमस मार्केट है, वो लोग गया है थोड़ा एक्सप्लोर करने और कुछ परचेस करने, कुछ कुछ यहाँ लोकल मेड अगर वैसा कुछ मिलता है याद के तौर पे, तो उस चीज़ के लिए वो लोग गया है। और वो लोग जैसे आता है हम लोग राइड को करते हैं कंटिन्यू, अपना बाइक का पूरा लगेज वगैरह सब कुछ लोड हो चुका है, बाइक पूरा परफेक्ट हो गया, बैग वैग पूरा पैक हो गया, एवरीथिंग इज ओके। 12:05 हो रहा है, मिलते हैं भैया, बाय बाय। अपना बैग वैग रेडी है, बाइक भी रेडी है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय सर, तो आज का सफर किधर रहेगा हम लोग का? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी घर? तो हम लोग राइड स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं, अपना सारा लगेज वगैरह सब कुछ लोड हो गया, बैक टू होम। तो चलते हैं, हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। ठीक है, महादेव का नाम लेके जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और लोग अभी सबसे पहले जाना है पेट्रोल पंप, बाइक को कराना है फ्यूलिंग, बाइक को फ्यूलिंग करा के डायरेक्ट निकलेंगे सिलीगुड़ी होते हुए पटना। और आज जो राइड है वो गैंगटॉक टू पटना रहने वाला है, बस तो उसका ही वीडियोस बनाना है हमको। और ये जो फ्लैग देख रहे हैं ये अभी हम लोग नॉर्थ सिक्किम राइड करने गए थे, तो ये थे मेमोरी के लिए। वैसे मिलता बहुत जगह है, बट कहीं दूर आके एक मेमोरी के लिए जब मिलते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। फीलिंग करा ली है और अभी निकल रहा हूँ। चलो ब्रदर। किलोमीटर भी शो कर रहा है, और सिलीगुड़ी तक तो थोड़ा पहाड़ी लग रहा है, फिर हम लोग को फ्लैट रोड मिल जाएगा। सिलीगुड़ी तक डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा समय लगेगा, बट फ्लैट रोड में डिस्टेंस कवर करने में समय नहीं लगेगा। वैसे हम लोग को पटना पहुंचने में रात हो जाएगा, बट आज का जो राइड है उसमें रात में भी राइड करने का प्लान है, क्योंकि उधर फ्लैट रोड रहेगा तो हम लोग राइड कर सकते हैं। और घर देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं, ये जो राइड है उसका आज लास्ट डे है। और आई होप शो कि आज का राइड भी अच्छे से हो, जैसे अच्छा से हो रहा है, महादेव से यही आग्रह है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए।
तो अमित और पृथ्वी जो है ना, ऋषि पृथ्वी पीछे रह गया। और ये देख सकते हैं, ये है तिस्ता रिवर। इसका पानी ध्यान से देखिए, इसका पानी ग्रीनिश है। इसका पानी ग्रीन क्यों है हमको नहीं पता है। बैठते हैं फ्री होके तो गूगल करके देखेंगे कि इसका पानी इतना ग्रीन है क्यों, क्योंकि अभी तक रिवर में इतना ग्रीन पानी नहीं देखे हैं हम पर्सनली। और 0 पॉइंट से जो जो रिवर आ रहा था, इसका पानी जो था वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब एकदम वाइट था, ट्रांसपेरेंट पानी था। और यहाँ के ग्रीन कैसे हो जाता है, कुछ तो रीज़न होगा। नेचर है तो कुछ ना कुछ बिना रीज़न के नहीं होता है। और हमको वेट करना पड़ रहा है, हम सोचे थे कि गूगल मैप को बीट कर दे 3 घंटे 41 मिनट वाला प्लान, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहीं पे हम लोग मैगी वैगी खाए थे। आपको याद होगा अगर मेरा पहला पार्ट वाला, अगर सेकंड वाला अगर राइड देखे हैं, तो उस दिन हम लोग यहीं पे रुक के मैगी वैगी खाए थे और यहीं पे फिर से आके रुके हैं, क्योंकि अमित और पृथ्वी जो है वो काफ़ी पीछे छूट गया है, तो इस वजह से यहीं आके रुके हैं। देखते हैं कितने देर में आता है, क्योंकि सिलीगुड़ी जाना है और काफ़ी लंबा राइड करना है, बट थोड़ा हो गया डस्ट से। पृथ्वी जो है वो आ गया है, कंटिन्यूस राइड करके यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पे चलेंगे तो अच्छा टाइमिंग में हम लोग पहुँच जाएंगे पटना। तो भाई अच्छा टाइमिंग है ना, 3:30 घंटे में हम लोग 12:05 में होटल से निकले थे, है ना टाइमिंग। बस 1 बजे तक पटना दिखा रहा है, 1 बजे तक पटना दिखा रहा है। बस चलते रहो, मजा आएगा। फिर राइड को कंटिन्यू करेगा, खाना लाइट खाना है हल्का, ठीक है, नहीं तो फिर नींद आने लगता है। हाँ, दो गो रोटी खाएंगे बस, फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे। आज क्या हाल है तुम्हारे पिछवाड़ा का? अभी आदत हो गया, अभी आदत हो गया ना, हैबिचुएटेड हो जाओगे कुछ दिन में। चलो फुल थ्रॉटल पे, फुल थ्रॉटल ना कौन हम नहीं, थोड़ा बचा हुआ था मेरा कसम से। अरे भाई कसम से, फुल थ्रॉटल में क्या नहीं भाग रहा था तो भाई तुम्हारा क्या फुल थ्रॉटल, तुम 100-108 के बाद तुम्हारा गाड़ी नहीं भाग रहा है, मेरा 126 तक जाता है। हम भाई कहीं 118 नहीं टपाए हैं। अच्छा अभी कितना चला फुल थ्रॉटल में, अभी जो पुल के पास थे अभी थे हम सब। अच्छा तुम जो पुल पे हमको ओवरटेक किसके पार करने का, पावर पार करने का, उस समय मेरा गाड़ी 117 उतरा के आसपास था। 116 कितना गया, 116 हो गया, नहीं उठ रहा 80 से ऊपर नहीं उठ रहा। सुनो ना, हम लोग 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिए, बस बगल में पटना यार। हमको यही टारगेट अचीव करना था, कुछ जानते हो, थोड़ा सा एक आध बार राइड कर लोगे ना भाई तो नॉन स्टॉप मार सकते हो, पोटेंशियल है। हाँ तारीफ नहीं कर रहा मतलब, बता रहे मार दो। सो फाइनली जो है वो दरभंगा में रुके हैं खाना खाने के लिए, सुबह से खाना नहीं खाए थे तो अभी खाना खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं और हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो
कुछ बोलना है क्या? फाइनली घर पहुंच गए, होम स्वीट होम, होम स्वीट होम, थैंक्स टू आका बाइकर्स, ब्रदरहुड राइडर्स। अगेन हम लोग मिलेंगे नए राइड के साथ, नए कहानी के साथ, और फिर नया कहानी लिखेंगे हम लोग। वो सब कुछ तो कहानी वाली नहीं होने वाला है, ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा के समय आएगा, समझे? बहुत दूर भी है तू। बाय बाय बाय।